आज मेरे लिस्ट में है दो मूवीज, एक जो मैं चाहता हूँ कि अभी आ जाए और एक जो मैं चाहता हूँ कि कभी ना आए, पर फिर भी वो आ ही जाएगी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मेरे बाप की थोड़ी है। तो वो मूवी जिसे मैं चाहता हूँ कि कभी ना आए वो है ये और तू आके करेगी क्या, तेरी तो स्टोरी वही रहेगी जो हर स्पाई मूवीज में रहती है, एक मिशन एक विलन, मिशन कंप्लीट होते होते कुछ ऐसा होगा कि मिशन कंप्लीट होने के बजाय और बिखर जाएगा। इस मूवी को नजर में रख के कहूँ तो उलझ जाएगा, पर कुछ भी करके चाहे उसे और स्पाइयों के गोटे सहलाने ही ना क्यों पड़े, हमारा स्पाई ये मिशन कंप्लीट कर ही देगा। थोड़ा क्वांटिको, थोड़ा जोकर, थोड़ा द बॉयज, थोड़ा मिशन इम्पॉसिबल जो खुद ही कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ, और थोड़ा एक था टाइगर जब गुलशन देवैया ये डायलॉग बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है आपने जो भी किया अपने वतन के लिए किया, तब मुझे 2 सेकंड के लिए लगा कि ये कमांडो 3 वाला विलन तो नहीं है। हिंदुस्तान रोएगा, खून के आंसू रोएगा। इसे कहीं उसके यूनिवर्स में तो फिट नहीं कर रहे हैं, शायद नहीं, पर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मेरे बाप की नहीं है ना। मैं मूवी आने से पहले उसे बुरा भला नहीं कहूंगा, और ये छोटा सा टीजर तो देखने में बेहद ही खूबसूरत है, सारे शॉट्स परफेक्ट लगते हैं। अब सिनेमाटोग्राफी को लेके बॉलीवुड थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा वाला थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम वहीं पे है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ दिल में उम्मीद पाल सकते हैं कि अच्छा होगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मेरे बाप की नहीं है ना। अब आते हैं दूसरी मूवी की तरफ, जो है विक्रम सर की थंगलान। क्या रेंज है इस एक्टर का, विक्रम सर हैप्पी बर्थडे। अपरिचित से लेके आई तक और सामी से लेके पोनियन सेल्वन तक हमने विक्रम सर के कई सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, उन्हें हमने ऐसे ऐसे रोल्स में देखा है कि और किसी एक्टर को उस रोल में आप अब इमेजिन नहीं कर सकते। अगर वो रोल उस एक्टर पे पूरी तरह से सूट कर जाए तो भी वो एक्टर उस कैरेक्टर में पूरी तरह से फिट नहीं हो पाता है, पर विक्रम सर की बात करें तो ये बात उन पर उल्टा काम करती है। अगर कोई कैरेक्टर बिल्कुल ही हल्का है तो वो उसमें ऐसे जान डालते हैं कि बाकी सारे एक्टर्स की एक्टिंग छोड़ के आपकी नजर उनकी तरफ मुड़ जाती है, और यहाँ भी शायद उनका कैरेक्टर कुछ वैसा ही होगा। पर मैं 99% श्योर हूँ कि ये कैरेक्टर इस मूवी में अच्छा इंसान तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सबसे बुरा इंसान यही होगा, सबसे लालची इंसान यही होगा, और सबसे पावरफुल भी यही होगा। कितना मस्त होगा ना अगर विक्रम सर को हम एक फुल फ्लेश विलेन के रोल में देखेंगे, सबको मार रहा है, काट रहा है, और बातों ही बातों में कहने वाली बात, लोगों के खून से नहा रहा है ये इंसान। सारा क्रेडिट सिर्फ एक्टर को, बिल्कुल नहीं, 20% पूरा का पूरा एक्टर को और बाकी 80% पूरा का पूरा डायरेक्टर को, क्योंकि मूवी पूरी तरह से उसकी होती है। म्यूजिक का क्रेडिट भी उसी को, क्योंकि डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा कि वो जो म्यूजिक बना है वो इस मूवी में उस सीन में उस कैरेक्टर पे सूट करेगा या नहीं। छुप छुप के, डर डर के नहीं, मेरा बस चले तो मैं सारा क्रेडिट फिल्म मेकर को दे दूं, क्योंकि मुझे भी वही बनना है। ये यूट्यूब तो बस थोड़ा सा खर्चा निकालने के लिए है, और मेरा चैनल भी अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है।